लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से आपको बता दें, लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में नीलम और रोशनी पत्नी चांद व चांद पुत्र उस्मान पति पत्नी की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चांद व उसकी पत्नी रोशनी को इलाज के लिए हरिद्वार के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। आपको बता दें, चांद और उसकी पत्नी रोशनी 30 मई को दिल्ली से अपने गांव सुल्तानपुर आए थे, जिनका 1 जून को मेडिकल टेस्ट हुआ था और सैंपल भेजे गए थे। इनको 1 जून को घर में ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, तभी से यह लोग घर में रह रहे थे। 17 जून को पति पत्नी दोनों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौके पर मेडिकल टीम और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पति पत्नी दोनों को हरिद्वार मेला अस्पताल आइसोलेशन के लिए भेजा गया है, साथ ही पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। चांद और रोशनी के संपर्क में आए परिवार के सभी लोगों का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। वहीं इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर दुष्यंत ने बताया कि चांद और उसकी पत्नी रोशनी दोनों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दोनों ही लोगों को आइसोलेशन के लिए हरिद्वार भेजा गया है। संपर्क में आए सभी लोगों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, सभी के सैंपल भेजे जा रहे हैं। है कि 1 जून को ये इस व्यक्ति का टेस्ट हुआ था, ये बाहर से आया था चांद और उसकी वाइफ। तो आज 17 तारीख को, कल मतलब, इनकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ना। तो उस एहतियातन तौर पे हमने उनका घर जो है वो सील कर दिया है कि वो जो इन्फेक्शन है वो फैला तो नहीं है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद ये है, 17 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख को टेस्ट हुआ था, कि अब तक वो रिकवर कर गए होंगे, ठीक होंगे। घर वालों से हमने बात करी तो घर में लगभग जितने भी लोग हैं इनको किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सबका टेम्परेचर नॉर्मल है, किसी को सांस की दिक्कत नहीं है, जुकाम खांसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे थोड़ा ये गली जो है हमने सील कर दिया है कि प्रिकॉशन आगे ना फैले कोई भी इन्फेक्शन। ये जो दिल्ली में निवास करते थे, यहाँ पे 30 तारीख को आ गए थे और दैट टाइम ही उनकी सैंपलिंग की गई थी और इनको घरों में होम क्वारंटाइन किया गया था। थोड़ा रिपोर्ट कुछ डिले आई है और दोनों लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एज ए गाइडलाइन, एज ए डायरेक्शन, जहाँ पर ये लोग स्टे करते हैं उनके प्राइमरी जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है जिस घर में उसके साइड के जो एरियाज हैं उनको एज ए कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, ताकि जो एरिया है वहाँ पर लोगों की आवाजाही बंद रहे हैं और जो यहाँ पर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स वगैरह है उनकी प्रॉपर सैंपलिंग वगैरह करके और पूरे एरिया को सैनिटाइज करवाया जाएगा और जो इनकी अन्य जो आवश्यक वस्तुओं की जो इनकी मांग रहेगी उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे हेल्प डेस्क स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो।